खालिस्तान समर्थक और बारिश पंजाब देख के चीफ अमृतपाल सिंह आखिरकार पुलिस के शिकंजे पर आ ही गया। पंजाब पुलिस ने भगोड़े अमृतपाल सिंह को मोगा से गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि अमृतपाल सिंह 18 मार्च से फरार चल रहा था। पुलिस उसके चाचा और कई सहयोगियों को गिरफ्तार कर चुकी है। आपको बता दें कि पंजाब पुलिस ने अमृतपाल की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। पुलिस ने बताया कि अमृतपाल को मोगा से गिरफ्तार कर लिया है। आगे जानकारी साझा की जाएगी। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है, साथ ही लोगों से फेक न्यूज शेयर ना करने को भी कहा है। अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी के बाद बताया जा रहा है कि अमृतपाल को असम के डिब्रूगढ़ ले जाया जाएगा। डिब्रूगढ़ में उससे पूछताछ की जाएगी। अमृतपाल को हिरासत में लिए जाने की तस्वीर भी सामने आई है। आपको बता दें खालिस्तान समर्थक और बारिश पंजाब दे के चीफ अमृतपाल सिंह को गिरफ्तारी से पहले रोडो वाला गुरुद्वारा में देखा गया था। इसके बाद मुक्तसर पुलिस उसे अपने साथ ले गई। वारिस पंजाब दे के चीफ अमृतपाल सिंह 18 मार्च को फरार हो गया था। पंजाब पुलिस ने उसकी तलाशी में कई जगह छापेमारी भी की। आपको बता दें कि अमृतपाल सिंह करीब एक महीने से पुलिस को चकमा दे रहा था। वह इस दौरान भेष बदल कर खुद को पुलिस की नजरों से बचा रहा था। पुलिस ने उसे भगोड़ा घोषित किया था। गौरतलब है कि 23 फरवरी को सहयोगी लवप्रीत तूफान की रिहाई की मांग को लेकर अमृतपाल उसके समर्थकों ने हथियारों के साथ अजनाला पुलिस स्टेशन पर धावा बोल दिया था। इस मामले में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। आपको बता दें कि पंजाब पुलिस ने अमृतपाल की गिरफ्तारी से पहले उसकी पत्नी किरणदीप कौर को पुलिस ने इसी शुक्रवार को हिरासत में लिया था। किरणदीप कौर को अमृतसर एयरपोर्ट से हिरासत में लिया गया था। किरणदीप कौर एयर इंडिया की फ्लाइट से बर्मिंघम जाने वाली थी। आव्रजन अधिकारियों ने उन्हें यात्रा करने की अनुमति नहीं दी और उन्हें हिरासत में ले लिया गया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। नमस्कार।